हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? आशा है कि आप सभी घर पे स्वस्थ होंगे और आप अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम आपका जनरल नॉलेज से लेसन नंबर 1 करेंगे। तो आज हम आपकी जनरल नॉलेज स्टार्ट कर रहे हैं और उससे हम क्या करेंगे, आज लेसन नंबर 1 करेंगे, ठीक है? जिसका टाइटल क्या है, इंटेलिजेंट एनिमल्स। इंटेलिजेंट एनिमल्स, बुद्धिमान जीव, ठीक है? बुद्धिमान जीव, ठीक है प्यारे बच्चों? तो चलिए आज हम इसको क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है? इसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है उसमें क्या दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ना बेटा इसको एक बार। इट चेंजेस इट कलर्स एंड टेक्सचर अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग टू प्रोटेक्ट इट सेल्फ फ्रॉम एनिमीज। देखो, इट चेंजेज इट्स कलर्स, ये क्या करता है, अपने रंग को स्वयं क्या करता है, बदल लेता है। कलर एंड टेक्सचर, टेक्सचर होता है बेटा बनावट, ये क्या करता है, अपनी बनावट को, अपने आकार को या अपने रंग को क्या करता है, अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग, यानी जैसा उसका वातावरण होता है वैसे ही क्या करता है, अपनी बनावट को और अपने रंग को बदल लेता है। टू प्रोटेक्ट इट सेल्फ फ्रॉम एनिमीज, किसे, अपने दुश्मनों से अपने आप को बचाने के लिए क्या करता है, अपने आकार और अपने रंग को बदल लेता है। बेटा ये जहाँ भी होता है, जिस भी फील्ड में होता है, जैसे ये कहीं पर है वहाँ ग्रीन घास है, ठीक है? और जो एक दूसरे के जैसे दुश्मन तो होते हैं जानवर, तो अगर वो इसका शिकार करने के लिए इसके पीछे पड़े हुए हैं तो ये क्या करता है, वैसा ही अपना कलर बदल लेता है, ठीक है बेटा? और इसको आप जान ही गए होंगे क्या है, ये है ऑक्टोपस। और ऑक्टोपस इसका नाम क्यों रखा गया था, क्योंकि इसकी 8 भुजाएं हैं, इसकी क्या हैं, 8 भुजाएं हैं। और आपको एक और बात बता दूं बेटा इसके बारे में, इसके खून का रंग क्या होता है, नीला होता है। आप ये समझते हो कि सभी जीव होते हैं उनके खून का रंग कैसा होता है, रेड होता है, लाल होता है, लेकिन इसका खून का रंग ऐसा नहीं होता, इसके खून का रंग कैसा होता है, ब्लू होता है, ठीक है? अगर इसकी भुजाएं कट भी जाए ना बेटा तो क्या होती है, बहुत जल्दी क्या होता है, वापिस पूरी हो जाती है, ठीक है बेटा? और एक और इसके बारे में तुम्हें रोचक बात बता दूं मैं, इसके 3 हर्ट होते हैं। आमतौर पर तुम ये समझते होगे कि हमारे अंदर क्या है, एक हृदय है, एक हर्ट है, तो हाँ इसका भी एक हर्ट होता होगा, नहीं, इसके क्या होते हैं, 3 हर्ट होते हैं। तो इसका आंसर क्या है, ऑक्टोपस, क्या है, ऑक्टोपस, ठीक है प्यारे बच्चों? क्या आएगा इसमें, ऑक्टोपस, क्या आएगा, ऑक्टोपस, ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें क्या आएगा, ऑक्टोपस, ठीक है? चलिए हम नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड पॉइंट हमारा, इट यूजेस कॉम्प्लेक्स साउंड टू कम्युनिकेशन। ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स साउंड यानी जो जटिल ध्वनियाँ होती हैं, वे ध्वनियाँ होती हैं जिनको हम आसानी से सुन नहीं सकते, लेकिन ये क्या करता है, उसको उसका प्रयोग करता है विद इन ग्रुप वेरी इफेक्टिवली, ठीक है? ये क्या करता है, ग्रुप में कॉम्प्लेक्स साउंड का प्रयोग करता है, ठीक है? जिसे ये क्या है, आप इसकी इमेज को देखकर ही आप समझ गए होगे क्या है, ये है बेटा व्हेल। और व्हेल के बारे में आपने सुना होगा, व्हेल क्या होती है, आकार में बहुत बड़ी होती है, ठीक है? और समुद्र की रानी भी कहा जाता है इसको, समुद्र की रानी भी कहा जाता है व्हेल को, ठीक है? और एक अच्छी बात बता दूं बेटा, तुम ये समझते हो कि जो मछलियाँ होती हैं, जो व्हेल होती है, वो पानी में ही सांस लेती होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, जो व्हेल होती है वो पानी में सांस नहीं लेती, इसके सिर पर क्या होता है, एक छेद होता है, तुम्हें देखा होगा, व्हेल क्या होती है, पानी से बाहर आती है, उछल के वापिस कहाँ चली जाती है, पानी में चली जाती है। क्यों जाती है पानी में वो, और क्यों बाहर आती है,
वो जो बाहर आती है ना वेल, वे इसलिए बाहर आती है सांस लेने के लिए, और ये एक बार सांस लेने के लिए जो बाहर आती है और ये क्या करती है पानी में जाकर अपना सांस 35 मिनट तक इसको सांस लेने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, जब क्या होता है वापस फिर ये पानी से बाहर आती है और सांस लेती है, तो ये क्या है व्हेल, ये क्या है व्हेल। ठीक है, हमारा तीसरा पॉइंट है इट हैज़ ए वेरी शार्प मेमोरी। इट हैज़ ए वेरी शार्प मेमोरी, शार्प होता बहुत तेज, इसकी मेमोरी क्या है, इसकी मेमोरी क्या है बहुत ही तेज होती है। एंड रिमेंबर वेयर इट हैज़ स्टोर्ड फूड, और इसको ये याद होता है ये इसका भोजन कहाँ पर स्टोर है। ठीक है, आप समझ गए होगे बेटा, आप पिक से ही समझ गए होगे क्या है ये है, ये क्या है, ये गिलहरी स्क्वायरल, क्या है ये स्क्वायरल। ठीक है, एस क्यू एस क्यू यू आई डबल आर ई एल, ये क्या है स्क्वायरल, क्या है ये स्क्वायरल गिलहरी, क्या है ये गिलहरी, क्या है ये गिलहरी। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ आपको समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ लिख देता हूँ मैं एस क्यू यू आई डबल आर ई एल। ठीक है, चलिए, और इसके बारे में आप ये तो आप इनको तो आप ज़्यादातर देखने को मिल जाती है हमारे आसपास, ये बहुत सारी रहती हैं। ठीक है, और जो जैसे तुमने पिछली क्लास में एक पार्ट पढ़ा था विशाल गिलहरी, जो कहाँ पाई जाती हैं, केरल में पाई जाती हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर रहती हैं, पेड़ पर रहती हैं, कहाँ पर रहती हैं, पेड़ पर रहती हैं। गिलहरी बहुत बड़ी बड़ी भी होती हैं, जो बहुत बड़ी गिलहरी होती हैं वो ज़्यादातर कहाँ रहती हैं, वो ज़मीन पर रहती हैं। ठीक है, और ऐसा भी सुनने में आया है कि गिलहरी उड़ने वाली भी होती हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं, हमारा पॉइंट नंबर 4 है, हमारा पॉइंट नंबर 4 में देखते हैं हम क्या है, पॉइंट नंबर 4 हमारा ये देखो, आप समझ गए होंगे पिक्चर को देखकर ये क्या है, ये है चिंपैंजी, क्या है ये चिंपैंजी। इट हैज़ द कैपेबिलिटी टू डू मिमिक्री, टू डू मिमिक्री, इसके अंदर क्या होती है मिमिक्री करने की क्षमता होती है। मिमिक्री क्या है, तुम्हें देखा होगा बंदर में से क्या करता है, नकल करता है, और इसके अंदर भी क्या होती है मिमिक्री करने की बहुत ही क्षमता होती है। ठीक है, और ये आसानी से किसी भी काम को देखकर सीख लेता है। एंड हैज़ एन एक्सीलेंट मेमोरी, हो तुम्हें ये भी सुनने में आया होगा कि जो सबसे बुद्धिमान जीव है कौन सा है, वो है चिंपैंजी, क्या है चिंपैंजी। ठीक है, चिंपैंजी सी सी एच आई एम पी ए एन चिंपैंजी। ठीक है, ये क्या है चिंपैंजी, ये क्या है चिंपैंजी, क्या है ये चिंपैंजी। ये बेटा लगभग 40 या 50 वर्ष तक जीवित रह सकता है। ठीक है, और ये मनुष्य की तरह गतिविधि करता है, जैसे मनुष्य होता है लगभग उसी की तरह एक्टिविटी करता है, और इसके भी जैसे हमारे कितने होते हैं 32 टीथ होते हैं, तो इसके भी कितने होते हैं 32 टीथ होते हैं, इसके भी 32 दांत होते हैं। ठीक है, और जैसे हमारे ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, हमारे मनुष्य के अंदर ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, 4 होते हैं, ए बी और ओ। ठीक है, तो इसके अंदर ए और ओ ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 5 है इट मैनिपुलेट्स इट एनवायरमेंट लाइक ह्यूमन। ठीक है, ये क्या करता है मनुष्य की तरह अपने वातावरण में क्या करता है, हेर फेर करता है।
जैसे मनुष्य एक्टिविटी करता है, ये भी क्या करता है कुछ उसके, आपने देखा भी होगा कई बार पैरट्स होते हैं, क्या होते हैं, आप ये कहते हैं पैरट्स क्या है, बोलने वाला है, ये तोता कैसा है, बोलने वाला है। तो बेटा आप इसके बारे में बता दूँ, ये भी एक सामाजिक प्राणी होता है, ये भी ग्रुप में रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, और एक पैरट लगभग 100 से ज़्यादा शब्द, लगभग 100 शब्द क्या है बोलने सीख जाता है, चाहे वो किसी भी भाषा के हों, ठीक है। और ये ज़्यादातर कहाँ मिलता है, जहाँ गर्म स्थान होते हैं वहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। इट यूजेस टूल टू डू सर्टेन टास्क, ये क्या करता है, टूल्स क्या होता है, विभिन्न उपकरण, यानी ये भी किसी काम को करने के लिए किसका प्रयोग करता है, टूल का प्रयोग करता है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, पैरेट, क्या है ये, पैरेट, क्या है ये, पैरेट, ठीक है, PARROT, ठीक है बच्चों। तो बेटा ये था आपका, आपकी जनरल नॉलेज की बुक से लेसन नंबर 1, इंटेलिजेंट एनिमल, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं, ओके, थैंक यू।